नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। बस्ती टाइम में हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से, लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर खबरों की अपडेट मिले सबसे पहले आपको, और हमारी खबरों को शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का सपा विधायक ने फीता काट कर किया अनावरण। बस्ती जनपद की विकास खंड सल्टोवा गोपालपुर के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय परिसर भादीपुर में जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर का अनावरण 309 विधानसभा के विधायक राजेंद्र प्रसाद चौधरी के कर कमलों द्वारा फीता काट कर थाना अध्यक्ष वाल्टरगंज रामफल चौरसिया की मौजूदगी में किया। स्वास्थ्य शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्याम सुंदर यादव, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आतिया खान तथा जनरल फिजिशियन डॉक्टर अमित मिश्रा के सहयोग से सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य जांच, दवा एवं चश्मा देकर लाभान्वित किया। कार्यक्रम के आयोजक तथा ट्रस्ट के संस्थापक इंजीनियर अंशुल पटेल कोषाध्यक्ष संदीप चौधरी ने बताया कि शिविर में सभी प्रकार के विशेषज्ञ महिला चिकित्सक के द्वारा महिलाओं के विभिन्न रोगों का उपचार, नेत्र विशेषज्ञ की देखरेख, आंख जांच उपरांत चश्मा, जनरल फिजिशियन के द्वारा परामर्श के अनुरूप मुफ्त में दवाई वितरित की गई। शिविर आयोजक इंजीनियर अंशुल पटेल ने कहा, ट्रस्ट के विषय पर चर्चा करते हुए ट्रस्ट का नाम ही जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट है, इसके उद्देश्य के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं वृद्ध गरीब असहाय लोगों की सेवा करके खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं। ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य इंजीनियर सुरेंद्र वर्मा, संदीप चौधरी, शिव वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि अजय कुमार, पंचायत सहायक शालिनी गौतम आदि लोग मौजूद रहे। संवाददाता सचिन कुमार का शोधन बस्ती। चिपचिपाहट रहती है वो, आराम हो जाएगा, बाकी ज्यादा मत डालिएगा। हमारे साथ मौजूद हैं 309 विधानसभा रुधौली के तेज तर्रार विधायक श्री राजेंद्र प्रसाद चौधरी जी। विधायक जी, मैं जानना चाहूँगा, जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जो हमारे युवा आपके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, आज यहाँ इस कार्यक्रम में शरीक होकर के आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा है। ये ट्रस्ट के जो मेंबर्स हैं, जो साथी हैं जी, खासकर इसके जो व्यवस्था देख रहे हैं जी अंशुल पटेल जी, जी इन्होंने बहुत ही बेहतर और सराहनीय कार्य किया है जी, और जन कल्याण के लिए जो उनकी योजनाएं हैं, जो उनकी सोच है, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ जी। और कि अपने ट्रस्ट के माध्यम से जी जो समाज में निचले तबके जी जिसके लिए कहीं सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं धनाभाव कारण, विभिन्न परिस्थितियों कारण, उनको ये सुविधा देने के लिए, चाहे वो आई शिविर के माध्यम से भी आज है और भी इनके जो महिलाओं से संबंधित रोग है उसके लिए उसके डॉक्टर या फिजिशियन सारे लोग इनको बुला रखा है, और ये ट्रस्ट के माध्यम से जो ये सेवा दे रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप बताइए कि शिविर में कौन कौन से चिकित्सक हैं और क्या क्या किया जा रहा है, कैसे रोगियों को देखा जा रहा है? शिविर में मुख्य रूप से हमारे एक जनरल फिजिशियन हैं डॉक्टर अमित मिश्रा जी जी, और नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम सुंदर यादव जी जी, और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं आलिया खान जी जी। तो ये हमारे मुख्य रूप से डॉक्टर्स हैं, और इसमें सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम लोगों ने दवाएं जो हैं ये सब दवाएं और जांच सारी चीज़ें निशुल्क रखा है, और अगर आंखों में किसी की दिक्कतें हैं तो उसके निवारण के लिए तुरंत ही उसको दवा और चश्मे का भी वितरण किया जा रहा है आवश्यकता अनुसार। और हमारे ट्रस्ट का जैसा कि नाम ही है जन उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट जी, तो हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि लोगों की भलाई हो सके, लोगों का कल्याण हो सके जी। जो लोग गाँव में धन के अभाव में अच्छी जगहों पर नहीं जा पाते हैं,
हैं और सरकारी अस्पतालों में जाते हैं तो उनको अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है, दवाएं नहीं मिल पाती हैं, तो हमने सारी दवाइयों की भी व्यवस्था की हुई है और अच्छे डॉक्टर्स भी हैं और सब कुछ निःशुल्क है। तो हमारा यही प्रयास है कि जो लोग धन के अभाव में दवा नहीं करा पाते हैं उनका इलाज हो जाए। चलिए ठीक, धन्यवाद।